हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज मी प्रियंका शेखावत एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, हम दुबई कल पहुंच गए थे, आपने पिछली बार देखी हो अगर, और यहाँ का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखो पूरी बिल्डिंग्स, मतलब व्यू सो के उठो एंड दिस व्यू माइंड ब्लोइंग। तो अभी हम दोनों ही रेडी हो चुके हैं, पूरा कमरा तहस नहस भी कर चुके हैं और जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे, अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो नीचे रिसेप्शन पे पता करेंगे। कुछ अच्छा पूरा पैकेज मिल गया तो ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहां से पैकेज नहीं किया था, वरना मेट्रो तो है ही है। ये क्या कर रहे हो भैया? कहाँ चढ़े थे? तो चलो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, हम लोग निकल आए हैं बाहर। गाइस बस अभी पता कर रहे हैं कि कैसे घूमेंगे बाय मेट्रो। यार अगर होटल की तरफ से पैकेज ले रहे हैं ना, तो एक दिन का कुछ 19 या 20 हज़ार रुपये ले रहे हो घुमाने का। इससे बेटर है यार, कार्ड तो है ही, रिचार्ज करा के मेट्रो से घूम लेंगे। बस सामने ही मेट्रो चलती है, एकदम सामने ही, तो अभी वहीं जाएंगे। और यार सबसे अच्छी चीज़, एक भिखारी नहीं है मुझे तो यहाँ के, यही अच्छा लगा, एक भी भिखारी नहीं यार यहाँ का। इवन छोटे से छोटा इंसान भी हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अमीर है, दैट इज़ ट्रू। और सर्वाइव करना इतना भी ईजी नहीं यार, इंडियन खाना नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। दो दिन से पास्ता खा रहे हैं खाली, मतलब कल भी पास्ता खाया था, अभी मॉर्निंग में भी वही खाया है। तो पहले तो कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, हैं बट काफ़ी दूर दूर हैं, और गाड़ी में बैठने का मतलब है 500-600 रुपये तो चले ही गए अगर थोड़ी दूर पर भी जाते हो आप। देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड यार गाड़ियाँ तो देखते ही रह जाओ भाई, जो जो निकलती हैं एक से एक गाड़ियाँ ही, तो मुड़ मुड़ के बस गाड़ियाँ ही देखा करते भैया। और सबसे ज़्यादा तो मुस्टैक्स यहाँ पे बहुत चलती हो। कल मैंने टेस्ला भी देखी यार, मज़ा ही आ गया सच में। प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन कार्स इफ यू आर कार लवर। जानेंगे कि कितना मैंने दिया, कितना उसने वापस किया। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसको बैक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा 10, यानी कि 10 दिरहम है, मतलब 10 दिरहम है, ठीक है। ये 20 दिरहम है, 50 दिरहम है, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ये पॉइंट्स, पॉइंट्स की आइडेंटिटी तो मैंने अभी तक क्या नहीं कर पाई है, वैसे ये वाला मैंने यूज़ किया है। तो ये 1 दिरहम है, एंड ये भी शायद 1 ही है, जिसपे कि जग बना हुआ था, मुझे 1 दिरहम सब बोल रहे थे। तो फिलहाल बड़ी वाली नोट तो मैंने पहचान लिया है कि इसको ऐसे पहचानते हैं। नाइस ना। वेल गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं बुर्ज खलीफा एंड लुक एट द बिल्डिंग। मेरे कैमरा में समा नहीं रही, इतनी ऊंची ऊंची है भैया, देखते रहो तो देखते ही रह जाओ। और ना यार, मतलब अगर आप आ रहे हो तो फिर बेटर है कि कैब या टैक्सी की अलावा आप मेट्रो करो, बहुत सही मेट्रो है। मैं भी रिकमेंड यही करूँगी कि मेट्रो का ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि अच्छा खासा हम लोग ट्रेवल कर लेते हैं एंड बहुत रीजनेबल है, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग, वरना तो हर चीज़ इतनी कॉस्टली है, पर मेट्रो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड लुक एट द व्यू गाइस, आई एम इन लव विद दैट। चलो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर, अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं पहले दुबई मॉल, ये है बुर्ज खलीफा एंड जस्ट बगल में ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये वाली, ये है दुबई मॉल, तो बहुत ही पास है। और मेट्रो से आते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे। एंड लुक एट द बिल्डिंग्स यार, और एक यहाँ पे इमार है हमारे होटल रूम के भी सामने, मतलब हर जगह है। कैन यू सी द बिल्डिंग्स, मतलब यार ऑसम ऑसम। ये रहे मेरे पति देव, फाउंटेन, आओ चले। सो गाइज, ये है प्यारी सी बिल्डिंग जस्ट दुबई मॉल के सामने खड़े हैं अभी हम लोग।
दिस इज द बिल्डिंग जो मैं काफी व्लॉग्स में देख चुकी थी एंड फाइनली आई एम हियर। सो ब्यूटीफुल, दिस इज द दुबई मॉल। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया। अभी तक तो सिर्फ सपने में और व्लॉग्स में दुबई देखते थे, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कांट बिलीव दिस एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम। एंड ये देखो, ये बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रही है सामने से भी, फोटोज में भी, हर जगह सुंदर लग रही है यार। जस्ट दुबई मॉल के सामने अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। कम विद मी। दुबई मॉल हम लोग एंटर कर चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, बहुत बड़ा और बहुत लग्जीरियस है। वन मोर थिंग आप नोटिस करना मेरी पूरी वीडियोस में, यहाँ जो इंसान वाइट कपड़ा पहनता है अलग ही वाइट लगता है, मतलब एकदम अच्छा वाला वाइट। तो गाइस अभी हम एक्वेरियम जा रहे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट में आप देख रहे हो ब्लू ब्लू सा है, तो वहीं पर ही है भैया। यहाँ के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है बहुत ज़्यादा। We have taken this packers Dubai aquarium and the water zoo behind the scenes, observatory platform, class bottom boat and penguin one. Ticket for two sir, 20 dirham discount each on the souvenir shop inside aquarium, okay? 20 dirham discount each on the coffee shop inside aquarium. 1-2 real cinema ticket free, okay. Valid for 3 months single entry. So, Real Cinema second floor, Dubai Aquarium entrance here. You exit the other side. All the rest second floor. Thank you. What about cinema ticket? Yeah, it's free. So where did you go? Yeah, two. For 2 persons. 1-2. Okay. Okay. So anytime within today until 3 months, single entry you can use. Okay. 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 Thank you. Okay guys, तो हमने एक पैकेज लिया है 554 दिरहम्स का, यानी इंडियन करेंसी में 12,800 रुपए। तो इसमें ही हमको 6 जगह घुमाएंगे पूरा एक्वेरियम में, जैसे कि अभी मैंने वीडियो के फ्रंट में दिखाया, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई जाएंगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम लोग को कुछ फ्री मिला है, 2 टीवी टिकट्स, सिनेमा टिकट्स फ्री मिले हैं और 1 कॉफ़ी, अंडर वाटर जू में फ्री मिली है और एक और चीज़ कुछ फ्री मिली है जो कि मुझे याद नहीं है, मैं अभी कन्फर्म कर लूँगी। एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी यार यहाँ की, ये नहीं घूमा तो कुछ नहीं घूमा। दुबई मॉल इज पसंद जितनी भी छोटी छोटी फिश है तो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लगे। अगर आप दुबई मॉल आते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करना है, पैसे लगते लग जाने जो दूर घूमने तो आया ना। माय टाइम पे कोई फिश आई नहीं थी बड़ी वाली, वो देखो ऊपर जा रही है। इसकी आईज देखो, जैसे लग रहा है कि इंसान का चेहरा आगे बना। जब हम जा रहे हैं अंडर वाटर जू के लिए, तो यहाँ पे निशाने से बने हुए हैं, इसको फॉलो करते करते हमें जाना है। चलो ऊपर चलते हैं। Thank you.
वाली प्रेस करो तो आसान जाएगा। तब इसके दांत दिखाई जाएंगे। Yeah.